उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारी तंत्र को मजबूत कर रही है, लेकिन महिलाओं और बच्चियों के प्रति अत्याचार रुक नहीं रहा। ताजा मामला गाजियाबाद के थाना नंदग्राम इलाके का है, जहां सोनीपत के रहने वाले व्यक्ति टोकी की पुत्री खुशबू, जो कि 11 वर्षीय है, वो अपने नाना नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। अगवा बच्ची के पिता टोकी ने बताया कि बीते रविवार दोपहर 1 से लेकर 1:42 तक उसको एक अज्ञात नंबर से फोन आता रहा, लेकिन फोन साइलेंट होने के कारण मैं फोन नहीं उठा पाया। लेकिन जो आखिरी कॉल पर उससे बातचीत हुई तो कॉलर ने उसे बताया कि उसकी बेटी खुशबू जो उसके पास है, उसकी बेटी खुशबू का अपहरण कर लेने व उसके एवेज में 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय आलोक दुबे ने बताया, अगुआ बच्ची के पिता की सूचना पर थाना नंदग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक अपराध एवं पुलिस अधीक्षक प्रथम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों का गठन किया गया। घटना का शीघ्र सफल अनावरण किया जाएगा। सर नाम और परिचय बता दीजिए और क्या कुछ आपकी बेटी के साथ हुआ है? सर मैं टोकी मनोली सोनीपत का रहने वाला था। सर मेरे पास किसी एक नंबर से कॉल आई थी और उसकी कॉल 1 बजे से ले गया 1:42 पर 13-14 कॉल आ चुकी थी, लेकिन मेरा फोन साइलेंट था इसलिए मैं उनको फोन नहीं उठा सका। और 1:42 पर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मैंने कहा हेलो, मैं कहा जी हाँ जी, वो कहने लगे भाई तुम्हारी लड़की खुशी है, मैं कहा जी हाँ, अब तुम्हारी लड़की हमारे पास है और 30 लाख रुपये तुम्हें फोन कर दो, उन्होंने तो काट दिया। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल आई थी या नंबर से आई थी? नंबर से आई थी। उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने अपने साले के पास फोन करा क्योंकि मामा को हेल्प रखती थी, मैं कहा भाई उन्होंने फोन उठाया, मैं कहा भाई किसी का हमारे साले हो, लेकिन 2 घंटे का लाया हुआ, मगर तुम क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो? वो कहने लगा अब ढूंढ रहे हैं। उसके बाद फोन कट गया। फिर मैंने उसी नंबर पर कॉल करी, उस नंबर पर कॉल करी कम से कम 200 बार और मतलब फोन लगा टू टू करके कट गया। फिर 3:45 मेरे उनसे बात हुई, मैं कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? वो कह ले भैया ये मत बोलो कहाँ से बोल रहे हो, तुम 30 लाख रुपये भी ऑर्डर करो और 3 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, और उन्होंने फोन काट दिया। अच्छा, बच्ची की उम्र क्या थी और यहाँ किसके पास रह रही थी? अपने नाना नानी के पास रहती थी, यही रह के पढ़ाई कर रही थी बचपन से। अच्छा, किस तरीके से गायब हुई है घर से? अच्छा, किस तरीके से गायब हुई है बच्ची? उसके पापा और मैं। किस तरीके से गायब हुई है, किस तरीके पता चला आपको घर बस से? हमें बस जब इनके घर दो फोन आया जब पता चला, हमें तो हम तो घर में आ गए, सारे में ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ है, सब गलियों में ढूंढ रहे, किसी से पूछ रहे, सब कुछ कर रहे, भागे दौड़। क्या उम्र होगी इस बच्ची की? 11 साल की है। क्या कहीं पढ़ भी रही है? हाँ, स्कूल में पढ़ रही, राष्ट्रीय गौरव में। किस क्लास में? राष्ट्रीय गौरव। अच्छा, पुलिस को आपने शिकायत दी है? हाँ जी। आप मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने? हाँ। क्या कुछ पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है? हाँ, ये भी कुछ नहीं बता रहे, वैसे नुकारे कर रहे हैं जांच पड़ताल तो हम लोग इसके भी और कुछ नहीं बोल रहे। कल शाम को थाना नंदग्राम पर एक 11 वर्षीय बच्ची के पिता ने सूचना दी कि किसी ने उनकी बच्ची का अपहरण कर लिया है तथा फिरौती हेतु रुपयों की मांग की है। पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम पर तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा बच्ची के सकुशल बरामदगी हेतु एसपी सिटी सर एवं एसपी क्राइम मैडम के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। उक्त घटनाक्रम के संबंध में जानकारी हुई कि बच्ची अपने नाना नानी के पास थाना नंदग्राम क्षेत्र में रहती थी तथा जब वो सुबह उसके नाना नानी चारा लेने के लिए गए हुए थे और जब वे लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि बच्ची घर पर नहीं है। बच्ची अपने जन्म से ही अपने नाना नानी के घर थाना नंदग्राम क्षेत्र में रहती है तथा बच्ची के माता पिता सोनीपत हरियाणा में रहते हैं। बच्ची की ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही बच्ची के सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।